नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। CGL 2023 का रिजल्ट तो आ ही गया, जो भी रिवाइज था जो भी था, और जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया सबको तो बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी। उनके साथ तो बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं ना सक्सेसफुल लोगों के लाखों फादर होते हैं। ठीक है, किसी को क्रेडिट लेना है, किसी को कुछ लेना है, ठीक है, बढ़िया है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं, अच्छा लगता है मुझे आप लोग जब सिलेक्ट होते हैं। आप लोग सिलेक्ट हो गए, अब आपसे हमारा रिश्ता बस हाई हेलो का रहेगा। बाकी जो नहीं सिलेक्ट हो पाए वो हमारे तभी उतने अजीज हैं, उनके लिए फिर से लग रहे हैं। काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही है क्या किया जाए, कुछ नया क्या किया जाए जिससे ज़्यादा इफेक्टिव वे में आप लोगों की हेल्प करी जाए। ठीक है, थोड़े टाइम में आप देखोगे काफ़ी दिन से वीडियोज भी कम आ रही हैं, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। वो इस वजह से क्योंकि CGL 2024 ने मुझे लेथार्जिक बना दिया है, क्योंकि उनका जो टाइम है एग्ज़ाम होने का वो थोड़े टाइम बाद है, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा लेथार्जिक हो गया था। दो मैं काफ़ी मतलब लेथार्जिक होने के साथ वीडियो नहीं कर रहा था, बट काम कर रहा था अपने कि क्या क्या लाना है, क्या क्या करना है। तो अब बस कंटेंट आना शुरू होने वाला है उनके लिए जो नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं या जिन्होंने अभी अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो अपना तो एक ही लक्ष्य है कि हम हैं आपके साथ आपके सिलेक्शन तक। ठीक है, तो सिलेक्शन तक तो रहेंगे, और बाकी सारी चीज़ें रिजल्ट में हुआ नहीं हुआ या आपको ड्रीम पोस्ट नहीं मिली या जो भी आपका रिजल्ट ही नहीं हुआ था, प्री नहीं हुआ था, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। बट हमारा अल्टीमेट गोल यही होएगा कि हम अगले अटेम्प्ट में, हम बोले तो हम सारे, मतलब मेरी भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन जो हो सकती है मेरे एंड पे वो, और आपकी मेहनत साकार की जाए। हमें अपनी मेहनत साकार करनी है आने वाले एग्ज़ाम में, और अभी उसके लिए टाइम भी है। अगर कोई अभी से शुरू करना चाहता है तो भी टाइम है, काफ़ी टाइम है। और SSC CGL जो SSC का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, निकालना कोई टफ नहीं है। 6-7 महीने के सिलेबस भी इतू सा है, ठीक है, लप्पू सा सिलेबस है। ठीक है, बस झींगुर से आप ना बनो, पढ़ाई करो, और ऐसा ना हो कि ये जो टाइम है इसमें ना पढ़ के आप एग्ज़ाम देने जाओ और SSC आपका मोए मोए कर दे, है ना। तो पढ़ते रहो, और मेरी तरफ से तो पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। बस चैनल को थोड़ा सा बूस्ट चाहिए, वो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हो कर देना, और नए तरीके से CGL 2024 की तैयारी में हम जुटेंगे। तो मैं अभी काम कर रहा था, मैंने सोचा एक वीडियो कर देता हूँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग पूरे जोश से पूरे होश में पढ़ाई शुरू करेंगे, एकदम खुश, जो भी हुआ वो सारी चीज़ें भूल के नई जर्नी समझ लो आज से शुरुआत हुई है, और बहुत आगे कर जाना है अभी हमें। और CGL अल्टीमेट गोल नहीं है लाइफ का, आप बहुत सारे होंगे जो आगे भी करना चाह रहे होंगे, जैसे कई सारे सेलेक्ट हो गए, लोग मैसेज कर रहे हैं भैया कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे रैंक 50 में से 6-7 के तो मैसेज मुझे मिले हैं, जो कह रहे हैं अभी हमें UPSC प्रिपरेशन करनी है। बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट कर दो अभी प्रिपरेशन, क्योंकि एक बार जॉब में आ गए ज्वाइनिंग के बाद उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। अभी आपके पास जो टाइम है 24 आवर्स योर्स, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है। तो जो UPSC कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो अभी SSC में है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, और पॉजिटिव माइंडसेट से रहेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन होएगा। ऐसा कुछ बहुत बड़ा टास्क नहीं है SSC, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। थोड़ा गला खराब है।